बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट वाजिद मोहम्मद शुएब आपको आपके चैनल सवा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहता हूँ। आज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल नीड्स एजुकेशन यूनिटी में हम आए हैं और डेफ स्टूडेंट से हम बात करने आए हैं कि वो उनके क्या ख्याल आते हैं, वो सोसाइटी को कैसे देखते हैं, मर्द और मर्दानगी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको कैसे किस नज़रिए से देखते हैं, डेवियंस को वो कैसे देखते हैं। हम मैडम फरद साहिबा का बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमें आज मौका दिया। UMT डाइवर्सिटी क्लब हम लोगों का इसलिए बनाया गया है कि हम सब जो हेयरिंग इम्पेयर्ड और डेफ स्टूडेंट्स हैं ये सब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें, साइन लैंग्वेज की अवेयरनेस सब लोगों को दे सकें। नॉर्मल लोग जो कि सब मौजूद हैं वो आके हैरान होकर हमें देखते हैं और कि ये लोग किस जुबान में बात कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन गैप जो है वो ख़त्म हो और हम बहुत से नॉर्मल लोगों के साथ मिल के उनके जैसी लाइफ गुजारें और वो हमसे लैंग्वेज सीखें और इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन गैप भी ख़त्म होगा और हम सोसाइटी का हिस्सा बन सकेंगे। अवेयरनेस आई तो मैंने अपने आप को चेंज किया। बहुत से लोग, बहुत से मर्द अपने आप को गलत सोसाइटी में मूव कर रहे होते हैं, गलत रास्तों पे चल रहे होते हैं, वो मतलब स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और कुछ गलत कामों में पड़ जाते हैं, लेकिन वो खुद से अपने आप को देखें कि वो इंसान है और वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं।